सभी दीदीलों को नमस्ते। तो दीदीलों, आज हम करेले में लगने वाली रोग एवं कीड़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ये करेले में वायरस से होने वाली बीमारी है। इसमें पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पत्तियां पीली पड़कर बाद में सूखकर गिरने भी लगती है। ये रोग रस चूसने वाले कीड़े जैसे सफेद मक्खी से फैलता है। इस तरह के लक्षण आपको भिंडी के पौधों में भी देखने को मिल जाते हैं। इसकी रोकथाम करने के लिए हमें कीड़ों को नियंत्रित करना होगा। अगर एक बार ये रोग फसल में लग जाता है तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर फसल की अच्छे से देखभाल की जाए तो फसल को इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसी समय में फसल में इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो अच्छा होगा एक एक हफ्ते के अंतराल पर दवा का छिड़काव नियमित रूप से करते रहें। फसल बचाव के कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनको अपनाने से दवा का छिड़काव किए बिना हम सुरक्षित और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो ऐसे कौन से रामबाण नुस्खे हैं। पहला, खेत के बीच या मेड़ों पर निराई गुड़ाई करके घास न होने दें, क्योंकि कीड़े घास में छिपकर बैठते हैं, फिर वो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, पौधे में पीलेपन की समस्या दिखाई देने पर पौधे को जड़ से उखाड़कर कहीं दूर खेत में मिट्टी में दबा देना चाहिए, जिससे कि रोग बाकी के पौधों में ना फैल सके। तीसरा, ये रोग सफेद मक्खी नामक कीड़े से फैलता है और ये कीट ज्यादा ऊंचाई तक न उड़कर 6 से 7 फीट ऊंचाई तक उड़ते हैं। इन कीड़ों को रोकने के लिए खेत में येलो ट्रैप लगा देते हैं। एक मचान में 6 से 7 येलो ट्रैप की जरूरत होती है और इन येलो ट्रैप पर कोई चिपकने वाला पदार्थ जैसे गुड़ का शरबत, मोबिल ऑयल, ग्रीस आदि लगा देते हैं। तो क्या होता है, वो कीड़े उन चमकीले रंग की तरफ ललचाकर जाते हैं और उस पर चिपक कर कीड़े मर जाते हैं। चौथा, करेले में एक एक हफ्ते के अंतराल पर जीवामृत घोल का छिड़काव करते रहना चाहिए। जीवामृत घोल पौधों को जरूरी पोषक तत्व तो देता ही है, साथ साथ पौधों को तंदुरुस्त भी बनाता है और जिससे पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता भी पैदा होती है। इससे किसान का लागत यानी खर्चा भी कम लगता है और पैदावार भी अधिक होती है। पांचवा, वैसे तो अगर ऊपर के चारों बिंदुओं को अच्छे से अपना लिया गया है तो बाजार से दवा खरीदकर छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी कारणवश अगर खेत में ज्यादा कीड़ों का असर है तो थर्मोथ्रेक्सम 5 ग्राम की एक पुड़िया प्लस उसके साथ में 30 ग्राम एंट्राकोल को एक साथ एक टंकी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर छिड़काव को एक एक हफ्ते के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़कने की आवश्यकता पड़ सकती है। धन्यवाद।